हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि प्रेसॉन्स कैसे बनाते हैं। और प्रेसॉन्स बहुत इजी होते हैं बनाने। सबसे पहले तो हमने जो भी हमें साइज़ चाहिए, जैसे अगर स्टैंडर्ड साइज़ के बनाने हैं तो स्टैंडर्ड साइज़ आप ले लोगे। स्टैंडर्ड साइज़ की टिप्स को स्टैंड के ऊपर लगा के एक बार शेप को हम नीट करेंगे, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ना आगे से वो टिप थोड़ी ख़राब होती है, तो आगे से उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और उसको वो कॉर्नर उसका नीट करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप शेप नीट कर लोगे बहुत अच्छी तरह से अपनी टिप्स की। अगर कॉफिन शेप है तो कॉफिन, अगर राउंड शेप है तो उसको आगे से बिल्कुल सॉफ्ट कर लोगे, और अगर उसको शार्प करना है तो उसको शार्प कर लोगे। जैसे इसमें मैं इसको शार्प कर रही हूँ। तो शार्प करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बेस कोट। अगर आपने लगाना है तो आप लगा सकते हो, स्किप करना है स्किप भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर अब हमारी जेल पॉलिश एप्लीकेशन करूँगी टिप्स के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप जेल पॉलिश एप्लीकेशन बहुत पतली पतली करो, क्योंकि अभी हमने इसमें बफ़ नहीं करा है। अगर हम बफ़ नहीं करते तो फिर पील होने का थोड़ा डर रहता है, पर फ्रेंच पॉलिश में पील नहीं होता इतनी जल्दी। तो बस आपने अपनी कोटिंग जो है वो पतली पतली रखनी है। तो फ्रेंच पॉलिश की बहुत पतली पतली कोटिंग करते हुए हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट कोट करेंगे बहुत ही पतला पतला, ताकि कहीं से भी वो पील ऑफ ना हो। फ्रेंच पॉलिश में हम बफिंग और बेस कोट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पील होने का जो टेंशन है वो नहीं होती है। जैसे हमने एक हाथ पे करा है, एक ही दो हाथ है ना, तो एक हाथ पे करा है तो वैसे ही हम दूसरे वाले स्टैंड पे भी करेंगे, और दोनों हैंड्स के ऊपर फर्स्ट कोट कंप्लीट कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। हमने लिया है कुछ ब्राउन सा शेड फर्स्ट कोट करने के बाद ना। ये मेथड हमेशा फ्रेंच पॉलिश में एक जैसा कलर लेके आता है, कि एक बार में कलर लो और सब नेल्स के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसे कभी भी आपकी पॉलिश अनइवन, पैची या अलग से पैचीनेस नहीं बनेगी, अगर आप उसको ऐसे हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर बाद में अप्लाई कर दोगे। ऐसे हमने सेकंड कोट भी अप्लाई कर देना है, इससे कभी भी अनइवन नहीं आएगी। अब हमने फ्रेंच ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंच ड्रॉ करने के लिए मैंने एक वाइट सा कोट ले लिया है, थिक पेंट ले लिया है, जिससे कि वाइट की कवरेज आ जाए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हमने सी फ्रेंच बनानी है। तो सी फ्रेंच में सबसे पहले हम उसका एज बनाते हैं और फिर उसको फिल करते हैं। ऐसी मैंने एक फिंगर पे बनाई बहुत अच्छी तरह से सी फ्रेंच को बना के, वही पतले ब्रश के साथ हम उसको फिल भी कर लेंगे। जैसे ही हमने उसको फिल कर लिया, हमारी फ्रेंच डन हो जाती है। और ऐसी ही फ्रेंच हमने बाकी सारी फिंगर्स पे भी कर देनी है। एक फिंगर पे करी, वैसे दूसरी पे, तीसरी पे और चौथी पे भी। फ्रेंच करने के बाद एक बार हम उसको डबल कोट ज़रूर देंगे, ताकि फ्रेंच की जो डेप्थ है वो अच्छी तरह से दिखे। सेकंड कोट से वो और नीट हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी लगेगी। तो फ्रेंच में मैं सेकंड कोट ज़रूर करती हूँ, ताकि वो नीट दिखे। सेकंड कोट करने के बाद अब हम करेंगे कुछ एक्सेसरीज़ एप्लीकेशन। तो एक्सेसरीज़ लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टोन जेल ग्लू। तो ये वाली जो ग्लू है हमारी बहुत अच्छी है, इसकी जो स्टे है वो बहुत अच्छी है। एक बार इससे आप कोई भी एक्सेसरी लगा दोगे तो वो कहीं नहीं जाने वाली। तो इसके साथ आप एक्सेसरी लगाओगे, एंड एक इसका गोल सी बीड रख लेनी है, और हमने एक्सेसरी प्लेस करके इसको क्योर करवा लेना है। क्योर करवाते ये अपने आप ही उस जगह के ऊपर सील हो जाती है बहुत अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद हमें इसको टॉप कोट करना होता है। बस ये रखेंगे, और साथ ही साथ अब हमने बाकी नेल्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्टोन्स भी लगाने हैं, और एक के ऊपर और हम बो लगाएंगे। दो नेल्स के ऊपर मैं बो लगा रही हूँ और बाकियों के ऊपर हम स्टोन्स लगाएंगे। इसको भी अब मैं क्योर करवाने रख दूँगी। और जो बाकी रह गए, अब जहाँ पे स्टोन्स लगाने हैं तो फिर उस हिसाब से ग्लू को भी पूरा, जो हमारी फ्रेंच है उसकी स्पाइन लाइन पर ग्लू रखेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टोन्स चिपकाएंगे। एक एक करके मैंने बड़े साइज़ वाले स्टोन सेंटर में रखे, उसके बाद छोटे साइज़ वाले स्टोन साइड्स के ऊपर। ऐसे ही करते करते हम स्टोन्स को बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। स्टोन्स को फिक्स करने के बाद लास्ट हमारा काम रहता है टॉप कोट। टॉप कोट करने के बाद हमारा जो सेट है वो डन हो जाता है। ये हमारी कुछ लुक आई है सेट की, और अब हम इसके ऊपर टॉप कोट कर देंगे। टॉप कोट फटाफट कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ इसके ऊपर चिपके ना, क्योंकि स्टिकीनेस होती है, और टॉप कोट के बाद सारी स्टिकीनेस चली जाती है और सेट पूरा प्रॉपरली फिनिश हो जाता है।
तो ऐसे ही हमने एक्सेसरी के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी टॉप कोट कर देना है ताकि एक्सेसरी की भी शाइन ना आ जाए। और ऐसे ही हमने पूरे सेट के ऊपर टॉप कोट करके ये हमारा सेट बनता है फाइनल रिजल्ट सेट का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहे हो। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर